कि किस प्रकार हमारे जीवन की यात्रा हमें पूरी करनी है, तैयारी क्या करनी है हमको, और कहाँ से जाना है। मिस्र से हमको कनान को पहुँचना है, इस दुनिया से हमको स्वर्ग की ओर जाना है, उसकी तैयारी करनी है, और कैसी भी कठिन परिस्थितियाँ हैं। और तब परमेश्वर हमारी सुनता था, जैसे इसराइलियों को जब वो काम करते थे, कठिन परिश्रम करते थे, और तब वो उनकी पुकार वो परमेश्वर के पास चली गई, उनकी प्रार्थनाएं उन्होंने चित और यहोवा ने चित लगाया, दिल लगाया अपने लोगों के लिए। वो हमारे दिल की पुकार सुनता है और तब वो उनके लिए योजना बनाता है तैयारी के लिए। मूसा को लेकर के उसकी अगुवाई में पूरे इसराइलियों को यात्रा करना है, और उस यात्रा का जीवन हमारा आज का भी जीवन है। जब हम सब कुछ ठीक रहता तो हम परमेश्वर को याद करते, दुआ करते, और खूब और कभी कभी परमेश्वर को भूल जाते, अपने जीवन के सब क्रियाकलापों में इतने मगन हो जाते कि कभी बाइबल का, कभी प्रार्थना का, कभी संगति का याद नहीं आती। प्यारे यीशु ने ऐसा वचन हमें बताया विकास राम के द्वारा, वो जिससे कि हम बहुत लाभान्वित हुआ। ये बिल्कुल सामयिक है, ये बिल्कुल अभी से लगा हुआ जीवन है कि किस प्रकार तकलीफों का सामना जब करना पड़ेगा, और फिर भी परमेश्वर हमको किस प्रकार इसराइलियों के समान साथ साथ चलता रहा, आग का खंभा बनकर, बादल के बीच में बादल के ओ छाया बना करके किस प्रकार उनके साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है प्रियो, वो हमें प्यार करते हैं। जिस प्रकार इसराइलियों की गुहार को उन्होंने सुना, हमारी भी गुहार को सुनता है। परंतु वचन कहता है कि तुम्हें अपना क्रूस उठा करके चलना है, और क्रूस उठाना यानी आपको दुख उठा करके चलना है। और यदि हमारा जीवन दुख का नहीं है तो हम मसीही नहीं है। ये मसीह का जीवन केवल सुख आराम और खुशी नहीं है, इसके साथ बड़ी दुखों की यात्रा है। इन यात्राओं में परमेश्वर हमें ऐसा दुख नहीं देता कि जो हम सह ना सकें, परंतु वो उतना दुख देता है, उतनी ताड़ना देता है कि हम वो अपने जीवन में सुधार कर सकें। सुधारने के लिए वो हमें ताड़ना देता है। प्यारे यीशु को हम धन्यवाद और धन्यवाद हम देते हैं कि किस प्रकार हमें निर्दोष मेमने के समान बनना है, और बलिदान अपना यीशु को चढ़ाना है, और उसके बाद यात्रा करते हुए वो जैसे कि इसराइलियों ने ढेरों लड़ाइयाँ लड़ी, केवल वहाँ से लेकर मिस्र से लेकर कनान नहीं ले गया, परंतु बीच की यात्राओं में उन्हें लड़ाई करनी पड़ी है। आज हम देखते हैं अपने जीवन में भी, इस जीवन की यात्रा में भी तकलीफों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परंतु तू हमें उठा लेता है, तू हमें उठा लेता है, तेरा धन्यवाद। और हम धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, हमें गुड़गुड़ाना और गुड़गुड़ाना, इसराइलियों के समान नहीं करना है, हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। उनकी आज्ञाओं का पालन ना करने से कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और कितनी पीढ़ियां वहां नहीं पहुंच पाई। तो पिता हमें यही सीख मिलती कि हम वचन का पालन करें, वचन को अपने हृदय की पटिया में लिख लें और माफ करना सीखें। चाहे आपको कितनी भी दोष लगाया जाए, चाहे आपको खराब खराब बात बोली जाए, तब भी आपको माफ करना है। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, उनको थूका गया, उनको गलत गलत आरोप लगाए गए, और ऐसी बातें, दिलचोटी बातें कही गईं, फिर भी उन्होंने कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते क्या करते हैं। पिता ऐसे वचनों के द्वारा
तूने हमें ओ पूरी रीति से ओ लाभान्वित किया है, पूरी रीति से बाइबल पढ़ पढ़ के हमारे दिल पर इनकलकेट किया है, समावेश किया है, अंदर में प्रवेश कराया इन वचनों के द्वारा। मैं विकास बेटे को बहुत बहुत धन्यवाद देती कि ऐसे सुंदर वचनों के द्वारा हमें आज के परिप्रेक्ष्य में, जबकि हमें केवल हमारी यात्रा वो स्वर्ग की यात्रा है, हमें स्वर्ग की यात्रा करनी है और नया जीवन पाकर के, उद्धार पाकर के, परमेश्वर के वो जब वो आए तो उसके साथ आसमान में जाना है। इसी यात्रा के लिए हमें तैयारी करनी है और इसराइलियों को स्मरण करना है कि उन्होंने कैसी कैसी गलतियाँ की, हमें उन गलतियों को भी जूझना है, उनसे लड़ाइयाँ करनी है, परंतु यीशु को नहीं छोड़ना है। ऐसा प्यारा यीशु जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, उन इसराइलियों के समान, जबकि उन्होंने वो पवित्र मेमना, निर्दोष मेमना जो एक वर्ष का है, उसको उन्होंने बलि चढ़ाई और उसका लहू को अपनी चौखट पे लगाया, क्रूस के निशान को दर्शाता है। वैसा ही हमारा जीवन निर्दोष हो, उस निर्दोष दुल्हन के समान हम रहें, ताकि जब वो आए तब वो हम उसके साथ चले जाएं। उन बुद्धिमान स्त्रियों के समान हम रहें जिनकी मशालें जलती रहें। हम तेरा धन्यवाद और धन्यवाद इन वचनों के लिए करते हैं और प्रभु विकास को और अधिक आशीष और आशीष देता चला जाए, जैसे उनके माँ बाप ने उन्हें सिखाया प्रभु के पीछे चलना और आज तक वो प्रभु के पीछे चलते हैं। ये बहुत बड़ी एक आदर्श की बात है। हम धन्यवाद देते हैं पिता। और मेरे जो नेहरू नगर परिवार हैं, जिसमें मिस्टर जेम्स, मिस्टर गार्डिया, मिस्टर विलियमसन और लेडीज़ में जो जो मेरे को याद है उसको मैं बोल सकती हूँ, मिसेस जोसेफ और शोभना और वॉटसन मैसी और भी नाम मुझे याद नहीं आ रहे, जितने लोग हैं सबको नाम, मैडम जेम्स भी जो अभी मुंबई में, उनके परिवार को जो मेरी पड़ोसन हैं, उनके लिए भी मैं सब के लिए दुआ करती पिता। उनको वो उनको आशीष दीजिए पिता, उनको अपने पास में, अपनी गोद में, अपनी बाहों में लपेट लीजिए पिता, और उनकी तकलीफों को, मुसीबतों को तू चित लगाए रहता है, जैसे इसराइलियों के वो प्रार्थनाओं को तूने चित लगाया। हमारी भी प्रार्थनाएं तुझे वो ग्रहण योग्य हो, तभी जब हमारा हृदय शुद्ध रहेगा, क्योंकि तू शुद्ध मन वालों से प्रसन्न रहता है। जब तक आप पाप में हैं, आप प्रार्थना नहीं कर सकते, ओ प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा सकती, परंतु जब आपका हृदय ओ खुश रहता और दुख दूसरों को माफ करने की तबीयत आपकी बन जाती है, तभी आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। प्यारे यीशु, हमेरे ओ नेहरू नगर परिवार के लोगों को नाम बनाम तू आशीष दे पिता, उनकी तकलीफों को प्यारे यीशु तू सुन। गुहार लगा रहे हैं उन लोग, हम लोग सब कोई सबकी गुहार को सुन करके तू उन्हें कनान देश के लिए तैयार कर, उस तैयारी के लिए, इस यात्रा के लिए ये जो वचन मिला है उस यात्रा को करने पाए प्यारे यीशु। मिस्टर नंदा को कभी नहीं हम भूल सकते, जो समय समय पर ओ इस नेहरू नगर क्षेत्र की प्रार्थना में हमेशा हाजिर होते, ओ इसमें प्रार्थना में जबकि वो बाहर भी रहते तो भी कभी नहीं भूलते। सच में प्यारे यीशु, हम एहसानमंद हैं उनके, उनके वचनों से भी हम कब बहुत लाभ प्राप्त किए। इन सब बातों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते, हमारे कम्युनिटी चर्च कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, जबकि वो अपने पूरे अनुशासित होकर के हर एक कार्य का संपन्न कराते हैं पिता, और कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ते जो भूल जाए या ना करें। हर परिस्थिति में वो सब काम अपने समय पर करते हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान और सारे कामों को करने की समझ तूने उन्हें दिया है। पूरे जो टीम है, जो चर्च की टीम है, वो सारे लोग मिल करके सब काम करते हैं। उनको नाम बनाम, उनके और उनके परिवार को तू आशीष और बरकत से
भर दे प्यारे यीशु। और आखिरी में मैं सारे मसीही परिवार, सारे लोगों के लिए, सारे जो पादरी लोग हैं और लोग दुखी लोग हैं और जो वो संकट में है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते पिता, उनके सारे संकट को तू दूर करने वाला बन सके पिता, बने पिता। पर तभी तो संकट दूर होगा जब हम स्वयं पवित्र रहेंगे पिता। बिना पवित्रता के कोई भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, ये हम जानते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं पिता, पर तू हमारे दिल के संतोष के लिए और दूसरों के लाभ के लिए हम प्रार्थना कर सके पिता, यही हमारी चाहत है। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। इस गार्डिया के लिए भी धन्यवाद देते, ऐसे नम्र व्यक्ति के लिए हम ओ शुक्रगुजार हैं प्यारे यीशु। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो सब की बातें सुन करके भी वो सबको साथ लेकर चलते हैं, ऐसा मन मुझे भी दे पिता। हालेलुया। ओ प्यारे यीशु, हर तरफ से सब जगह से तेरी महिमा और जय के गीत गाते रहने का मन दे पिता, ऐसी कुवत दे ताकि हम अंत तक तेरे वो ज्वाला से जलते रहे, पवित्र आत्मा से वो मामूर हो करके तेरे हम शिताश कर सके पिता। सारी बातों में महिमा तुझे मिले, सब कुछ तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन।